भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत, शिक्षा विभाग में हो रहा है नित्य एक नया कारनामा उजागर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 12 अक्टूबर को एक और विद्यालय का कारनामा उजागर हुआ है, जो कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्राम सरिया पूरे विशेष परगना मीरानपुर तहसील सदर सुल्तानपुर। इसके प्रबंधक मोहम्मद आरिफ सुत मोहम्मद अहमद हैं। शिकायतकर्ता बास अहमद एडवोकेट ने यह आरोप लगाया कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का रकबा 17 फरवरी 2009 को जरिए बेनामा रजिस्ट्री प्राप्त किया है और उसी के आधार पर अपने स्कूल की इंटरमीडिएट की मान्यता में लगाया है, जो कि अनिवार्य शर्तों के विपरीत है तथा कम क्षेत्रफल में है। इंस्टीट्यूट के भूमि भवन खेल का मैदान कम क्षेत्रफल में है तथा मौजूद भी नहीं है। प्रयोगशाला लाइब्रेरी इत्यादि स्थित नहीं है तथा कमरों की संख्या मानक के अनुसार कम है। बताते चले कि इससे पहले नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दी गई सांसद निधि को भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यवाहन मंत्रालय सरदार पटेल भवन नई दिल्ली द्वारा वसूली करने के आदेश पारित हुए थे तथा इसके पूर्व जिला अधिकारी के धनलक्ष्मी के जी के द्वारा 17 जनवरी 2013 को उपरोक्त विद्यालय संस्था निर्माण में लागत 2,70,000 सांसद निधि का वसूली का आदेश पारित हुआ था तथा इसके उपरांत उप जिलाधिकारी महोदय श्री शंकर लाल पांडे द्वारा 6 अप्रैल 2010 को विद्यालय का पंजीयत निरस्त कराने का आदेश मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर के द्वारा दिया जा चुका है। फिर भी विद्यालय अवैध रूप से संचालित है तथा अपर जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर द्वारा स्टाम्प शुल्क चोरी करने के बाबत 18 दिसंबर 2019 को स्टाम्प शुल्क 1,03,850 रुपये व 5,000 अर्थदंड वसूली का आदेश पारित हुआ था तथा शिकायतकर्ता ने बताया कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रबंधक द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। कुल रकबा जो है जो 37 हेक्टेयर है, बेनामा रजिस्ट्री सुधा 17/2009 के आधार पर है, जो कि मान्यता देने के शर्तें होती हैं उसके विपरीत दी गई है। देखिए, मैंने अभी कहा कि ये पत्र आज ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके बारे में जो भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से आख्या चाही गई है वो भेजेंगे और पूरा उसका फिर प्रयोजन करेंगे, देखेंगे। तो अभी क्या माना जाए, प्रथम दृष्टि का माना जाए इसको, मतलब उसके संबंध में जो शिकायती प्रार्थना प्रताप द्वारा दिया गया था तो वहाँ से क्षेत्रीय कार्यालय से मुझे आज पत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें तो भी लिखा हुआ है कि रिकवरी होनी है, रिकवरी के आदेश हैं, जो पैसा लिया गया निधि से इस्तेमाल किया गया है। हमने आपसे पहले ही कह दिया है ना, चूँकि पत्र आज ही प्राप्त है, उसमें जो भी कार्रवाई करने का है सभी बातों पर गौर किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। पत्र अभी आपने अध्ययन नहीं किया है? नहीं, जस्ट हमें 2 घंटे पहले मिला है। तो कब समय दे रहे हैं हमको आप? अब आपको 4 दिन बाद आप देखिए, पहले हम पढ़ लें। अच्छा, मंडे है, थर्सडे को आएंगे। ठीक, ये शिकायत अभी आप ही के द्वारा संज्ञान में लाई गई है, तो इसको हम जिला विद्यालय निरीक्षक से कह देंगे इसका परीक्षण करके, और जो यदि उसमें कोई मानक विहीन है, क्योरेबल है, तो उसको क्योर कराएं, और यदि कोई इसमें अन्य प्रकार की कोई अनियमितता है तो उसमें संबंधित जांच करके कार्रवाई करें। जैसा कि उससे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये हमने जो जांच की है उन्होंने रिकवरी के बारे में बताया, बाकी और बिंदुओं पे उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। जांच हो सकता है प्रक्रियारत हो, पता कर लिया जाएगा। नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरैया पूरे बिसेन पोस्ट अलीगंज जिला सुल्तानपुर के बाबत मैंने दिनांक 10/9/2020 को
अपर सचिव महोदय, जिलाधिकारी महोदय, DIOS महोदय को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि ये विद्यालय फर्जी ढंग से चलाया जा रहा है, जिसमें छात्रों का भविष्य अधर में है और विद्यालय में तमाम वित्तीय खामियां हैं, मानक के विपरीत है, प्रयोगशाला नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, जो मानक होता है, जो रकबा होता है वो पूरा रकबा नहीं है, और बैनामे दूसरे के नाम है, विद्यालय का संचालन दूसरे के जरिए कराया जा रहा है। कुल 10 बिंदुवार मैंने शिकायती प्रार्थना पत्र किया था, दिया था, जिसमें श्री JP यादव DIOS महोदय ने जांच किया और जांच सरसरी तौर पर 2 लाइन की ये रिपोर्ट लगा दिया कि रिकवरी जो है नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है, जबकि हमने 10 बिंदु पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, 9 बिंदु को उन्होंने छुपा लिया और प्रबंधक जो मोहम्मद आरिफ है उस स्कूल का, उसने गांव में ये तमाम लोगों से कहा कि DIOS साहब श्री JP यादव जी रिटायर होने वाले हैं और उनको पैसे की आवश्यकता है, मैंने 1-2 लाख रुपए देके उनको खरीद लिया, तुम्हारी शिकायती प्रार्थना पत्र पर अब कुछ नहीं होगा, तुम घर बैठो। तो उसी के क्रम में मैंने दूसरी शिकायती प्रार्थना पत्र आज अपर सचिव महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, DIOS महोदय को दिया है कि और जो शेष बिंदु हैं उन पर जांच कराकर इस कथित विद्यालय की मान्यताएं निरस्त की जाएं। बिल्कुल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, स्कूल में लगभग 11 से 12 बिस्सा ज़मीन होनी चाहिए और इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है विद्यालय के नाम, खेल का मैदान नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है और छात्रवृत्तियों में तमाम घोटाले हैं। ये सब का जांच DIOS महोदय नहीं कर रहे हैं, सरसरी तौर पर जिलाधिकारी महोदय को गुमराह करते हुए एक रिपोर्ट उन्होंने भेजा है। इन्होंने पूर्व सांसद महोदय से निधि ली थी, वो निधि पर निर्माण उस स्थान पर जहां इनको करना था, जिस स्थान पर निर्माण करने के लिए निधि दी गई थी उस स्थान पर इन्होंने निर्माण नहीं किया, दूसरे स्थान पर इन्होंने निर्माण किया। पूर्व में शिकायत की गई थी जिसमें पार्लियामेंट से एक जांच आई थी और उस जांच में ये आदेश पारित हुआ था कि इनकी पूरी निधि 3,40,000 रुपये वापस ली जाए, उसके बाबत ये हाईकोर्ट में चले गए, स्टे ले आए हैं, तब से वो मामला पेंडिंग है। उस कई बार पूर्व जिलाधिकारी महोदय श्री शंकरलाल पांडे जी ने, श्रीमती के धन लक्ष्मी जी ने इनके स्कूल की मान्यताएं रद्द कर दी हैं, किंतु